तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करेंगे इसका 4 मंथ्स ओनरशिप रिव्यू अपाचे आरटीआर 164V। तो ये चल चुकी है अप्रोक्स 2700 और ये ली थी भाई ने 2 अगस्त 2019। तो ये रहे हमारे विश्वास भाई जिनने ली थी अपाचे 160 2019 मॉडल। तो करते हैं इनसे कुछ सवाल जवाब। तो कैसे विश्वास भाई? बढ़िया बढ़िया। तो इस प्राइस सेगमेंट में आपके पास NS 160 थी, जिक्सर 150 थी, तो आपने अपाचे ही क्यों चूज़ की? एक तो इसका लुक्स अच्छा, ठीक है, हाँ स्टाइलिश है, टैंक भी काफ़ी बल्कि है और डिज़ाइन एलिमेंट्स भी फ्रेश हैं। जिक्सर वगैरह तो हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। किसका पिकअप? अच्छा पिकअप, किलोमीटर 4 सेकंड्स। हाँ, इस सेगमेंट में R15 के बाद तो मतलब जो इसका फास्टेस्ट पिकअप है और टॉप स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो अब इसके क्वालिटी के, तो भाई जैसे कि हम नई नई बाइक लेते हैं तो पावर अच्छी रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें थोड़ी सी मतलब गियर में कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और पावर लैकिंग भी थोड़ी सी फेस करने को मिलती है। तो आपने इसकी कितनी सर्विस करा ली अभी तक? अभी तक 2 सर्विस हुई है इसकी। 2 सर्विस हुई, तो पावर लैक आपको अभी तक कुछ फील हुआ है? हुआ है। मतलब जब बाइक ली थी ना, काफ़ी लाउड वॉइस थी इसकी। अच्छा, फर्स्ट सर्विस तक भी लाउड वॉइस थी, लेकिन सेकंड जब सर्विस करवाई है ना, थोड़ी सी लाइट हो चुकी है। अच्छा ठीक है। और गियर्स वगैरह अटकते नहीं? अटकते हैं क्या? नहीं, गियर्स वगैरह में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। बस जो इसका गियर सेंसर है ना, हाँ, उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो अभी तक तो भाई गियर सेंसर में जो प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी वारंटी के अंदर जो अभी तो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 2 साल की तो वारंटी अप्रोक्स आती है। और इस बाइक में है सिंगल चैनल ABS है और पीछे में भी डिस्क वेरियंट है। पीछे डिस्क ब्रेक का साइज है 220mm सिंगल पोर्ट डिस्क ब्रेक कैलिपर, और फ्रंट का भी बाइबर का ही डिस्प्ले डिस्क ब्रेक कैलिपर है और इसका साइज अप्रॉक्स 280mm जो डिस्प्लेट का होगा। तो ब्रेकिंग वगैरह कैसी है इस बाइक की? ब्रेकिंग की मतलब जो भी ऐसा था ना, वो वाला हाँ। मज़ा नहीं है। अच्छा, मज़ा नहीं है ABS वाला, मतलब वीक है थोड़ी, स्ट्रॉन्ग बाइट नहीं है इतनी। अच्छा ठीक है। और एक जो कईयों कन्फ्यूज रहता है इसका जो इंजन का वाला, ये ब्रेकर्स वगैरह पर टच होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। तो ब्रेकर्स वगैरह तो भाई टच होता नहीं है। तो इंजन में भी ये थोड़ा सा भाई को पावर लैक फील हुआ है। गियर वगैरह अभी तक बाइक के निटकते और इंजन ब्रेकिंग भी ठीक है, लेकिन जो मज़ा आना चाहिए था, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइट इन ब्रेक से जो नहीं मिल रही है। और फोक्स इसके सस्पेंशन सेटअप कैसा है, मतलब सिटी के लिए ऑफ रोड में मतलब झटके वगैरह कैसे लगते हैं? झटके तो बिल्कुल भी नहीं लगते। अच्छा, मतलब सस्पेंशन सेटअप काफ़ी स्मूथ है। और बाइक ट्रैफिक में हिट वगैरह होती है भाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, वाइब्रेशन तो 0% है। ठीक है, वो चेक कर लेंगे। और इसे कूलिंग सिस्टम कंपनी ने ऑयल कूलर दे रखा है इसमें, तो मेरे हिसाब से इतना कुछ इसमें होने भी नहीं चाहिए हीटिंग वगैरह इशू। तो इस तरह का जो इसका फ्यूल टैंक है, देखने में काफ़ी बल्कि है। और इसकी जो फ्यूल फिलर कैप है वो आपको थोड़ी सी राइट में देखने को मिलेगी और बीच में आपको ये वाइट कलर देखने को मिलेगा और साइड पे TVS का लोगो। और अब इसका मीटर देखें तो जिक्सर में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, मतलब बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी ने डिजिटलाइज कर रखी है, और NS में आपको एनालॉग प्लस टैकोमीटर, वो डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। तो इसमें उन बाइक के कंपैरिजन में फीचर बहुत सारे हैं। आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलेगा, टाइम देखने को मिलेगा, सर्विस रिमाइंडर देखने को मिलेगा, टैकोमीटर देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर्स और लैप टाइमर और टॉप स्पीड रिकॉर्डर जैसे फीचर देखने को मिलेंगे, ABS की लाइट और वो जो भी मोबाइल फंक्शन लाइट होती है सारी, और बैकलिट स्विचेस नहीं है, वो भी इतनी तो कमी खलती नहीं। तो अब इसके सीट की कंफर्ट के बारे में बात करें तो सीट का कंफर्ट कैसा है, लॉन्ग राइड के लिए सही है? हाँ बिल्कुल सही है, मतलब कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, राइडर को तो, लेकिन पिलियन राइडर को कभी कभी प्रॉब्लम। अच्छा, पिलियन राइडर को कभी कभी दिक्कत आ जाती है। वैसे इसकी सीट तो काफ़ी मतलब देखने में तो ठीक ही है, कंफर्टेबल है, और इसके जो ग्रैब रेल्स हैं वो भी मतलब नाइस टू होल्ड हैं। और इस बाइक में जो टर्न सिग्नल है वो इस तरह के आपको टर्न सिग्नल देखने को मिलेंगे। LED नहीं है, LED इस बाइक की टेल लाइट और इसकी DRLs हैं, लेकिन जो BS6 मॉडल है उसमें आपको जो है LED हेडलाइट जो देखने को मिल जाएगी। तो भाई इसका टैंक है 12 लीटर कैपेसिटी का, और अब भाई से जो है माइलेज जानते हैं। तो भाई क्या कुछ जब माइलेज दे रही है अपनी बाइक?
भाई अभी तो ये माइलेज दे रही है मेरे को, जब स्टार्टिंग मिली थी जब तो 25 to 30, ठीक है, अब सेकंड सर्विस के बाद 35 के आसपास दे देती है। ठीक है, तो मतलब आप कितनी स्पीड पर राइड करते हो सिटी में, 50-60, मतलब क्या किस हिसाब है? 50 के आसपास। तो नॉर्मली भाई 50-60 के आसपास चलते हैं। जो माइलेज है वो राइडर के राइडिंग स्टाइल और राइडिंग कंडीशन में भी डिपेंड रहती है, हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए फर्स्ट सर्विस से पहले या कम भी मिल जाए, तो वो आप चेक कर लेना। तो इसकी चेन में है ओपन कार्ट्रेज सिस्टम है, और जैसे कि कई कस्टमर्स को चिंता रहती है कि जो चेन जो टाइम टू टाइम टाइट करवानी पड़ेगी या लूप करवानी पड़ेगी, आवाज़ करती है, तो विश्वास भाई ये चेन मतलब आवाज़ करती है क्या इतनी? बिल्कुल नहीं करती। नहीं करती, मतलब मेंटेनेंस कम है चेन का कंपैरिजन टू बजाज। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चेन में वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वालिटी इशू आपको फेस करने को मिला हो, कहीं से गैप आ गया हो या फिर थोड़ा बहुत कुछ? यही है कि एक तो ब्रेक इसके मतलब शुरू में तो अच्छे ब्रेक्स लग रहे थे, ठीक है, सेकंड सर्विस के बाद थोड़े लूज हो गए। आज एक बार देख लो आप ये ब्रेक, मतलब देख पा रहे हो काफ़ी जो स्क्वीजी ब्रेक हो गया है, तो क्या पता है इसका ब्रेक फ्लूइड जो ख़त्म हो गया फिर इसके डिस्क पैड जो घिस गए हो। तो मेरे हिसाब से डिस्क पैड तो इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए, 2700 ही हुए हैं, तो वो तो अब चेक करवाने पे जो पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो अपाचे RTR 164V की, 4 मंथ ओनरशिप रिव्यू की। तो भाई का भी एक चैनल है जंप टू टेक नाम से, तो भाई किस तरह की वीडियो डालते हो आप अपने चैनल पर? मैं ऑटोमोबाइल्स टैक्स और कंप्यूटर ट्रिक्स मोबाइल। ठीक है, तो भाई का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप एक बार जरूर जाके देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब कीजिए उसको भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, चाहे कैसी भी लगे लेकिन बता देना, ताकि मैं अगली वीडियो में जो है इम्प्रूव कर सकूँ।